अब इंदौर में एमपी स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 की शुरुआत होगी। एमपी पीएम मोदी आज स्टार्टअप नीति और पोर्टल की शुरुआत करेंगे। 3 सत्रों में होने वाले कॉन्क्लेव में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। बता दें शाम 6:30 बजे पीएम कॉन्क्लेव को संबोधित भी करेंगे। मेरे सहयोगी राकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, इंदौर में अब स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 की शुरुआत होगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि खुद पीएम मोदी इस पूरे कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के जो तमाम स्टार्टअप है और जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए सबसे बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 जो है आज शुभारंभ होगा और इसमें जो बात करें तमाम जो बड़े दिग्गज हस्तियां इन्हें कह सकते हैं वो इस स्टार्टअप में शामिल होंगे, जिसमें उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, ऐसे साथी जो नए उद्योगपति बनने जा रहे हैं, युवा पीढ़ी है, वो इसमें शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो सबसे अहम बात इस को लेकर है कि मध्य प्रदेश में आज नई स्टार्टअप नीति है वो उसकी घोषणा सरकार करेगी। सरकार ने जो पॉलिसी तमाम तैयार की है और इस नई हम योजना की बात करें, नई स्टार्टअप नीति की बात करें, तो इस नीति में इस तरह के प्रावधान करने की बात कही जा रही है ताकि लोगों को सरलता से उद्योग स्थापित करने में उसका सरलीकरण किया जा सके, मध्य प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों को जो है उसका लाभ मिल सके, मध्य प्रदेश के अधिक से अधिक लोग अपना उद्योग स्थापित कर सके, इसके साथ ही उनको सरकारी सहायता भी मिल सके, यानी सब्सिडी की जो बात है, सब्सिडी की जो बात कही जाती है। तो नई जो स्टार्टअप आज पॉलिसी जारी होने वाली है उसमें इसका जो है इसका पूरा जो है लॉन्च की जाएगी। इसके साथ ही जो आज सबसे बड़ी बात है कि इसके 3 सत्र होंगे और अंतिम जो सत्र है उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी वर्चुअल जुड़कर मध्य प्रदेश की जो नए स्टार्टअप हैं, मध्य प्रदेश की जो नई प्लानिंग्स हैं, नई योजना है, उसको संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अब ओबीसी आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करेगी सरकार। आज कोर्ट में याचिका दाखिल शिवराज सरकार करने वाली है। याचिका दाखिल करने के लिए सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल से सीएम शिवराज सिंह चौहान मिले थे। कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करेगी शिवराज सरकार। आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। बता दें कल सॉलिसिटर जनरल सीएम शिवराज सिंह चौहान मिले थे और याचिका दाखिल करने के लिए सरकार ने अपनी तैयारी से जुड़ी बड़ी खबर है। जहां कोर्ट में मॉडिफिकेशन याचिका दाखिल करेगी सरकार, आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी शिवराज सरकार, जिसको लेकर तैयारियां सरकार की पूरी हो चुकी हैं। अब एमपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, जहां पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। बैलेट पेपर से पंचायत चुनाव होंगे तो वहीं ईवीएम से नगरीय निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बोले निर्वाचन आयोग वीपी सिंह। बड़ी और अहम जानकारी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से निर्वाचन आयोग वीपी सिंह ने कहा कि ईवीएम से नगरीय निकाय चुनाव किए जाएंगे और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाएंगे। तो नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज सकता है। आज राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह साहब ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर्स की मीटिंग ली है। आयुक्त महोदय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज फिर मीटिंग हुई है, क्या कह सकते हैं कि अब चुनावी मोड की ओर हम बढ़ गए हैं आगे? बढ़ी गए, जिस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसी समय बढ़ गए। अभी सर आपने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर से चर्चा की है, जैसे आपने पहले भी कहा था कि पंचायत चुनाव तो हम तत्काल करा सकते हैं, सर माफ़ कीजिएगा नगरीय निकाय चुनाव पहले करा सकते हैं, सर पंचायत चुनाव की बात करें तो कहाँ किस स्टेज पर हैं हम अभी? पंचायत चुनाव में थोड़ा सा कुछ चीज़ें बाकी हैं तो उनकी पूर्ति की जाएगी और समय से चुनाव डिक्लेयर किया जाएगा। सर क्या दिशा निर्देश दिए आज मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स को? कोई नई बात नहीं, कलेक्टरों के साथ हम कई बार ये कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके, कई बार हम चुनाव के करीब आ चुके और सारे निर्देश उन्हें दे चुके। पंचायत के तो हमने चुनाव ही डिक्लेयर कर दिए थे, उसमें भी बहुत विस्तार से उनसे चर्चा की थी। तो सभी कलेक्टरों को पता है कि उन्हें क्या करना है, वही केवल उनको रिमाइंड किया गया और ये बताया गया कि वो अपने स्तर से अपने ज़िले की तैयारी की पूरी समीक्षा कर लें उन डिटेल्स के बारे में जो उन्हें पहले से दी गई हैं, समीक्षा कर लें और करके देख लें कोई कमी तो नहीं है और कहीं पे हमारी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं।
सर ये चुनाव हैं, ये ईवीएम से होंगे या फिर बैलेट पेपर से, इस कुछ स्थिति स्पष्ट है? ये चुनाव जो अर्बन बॉडी है वो तो ईवीएम से ही होंगे, और क्योंकि अर्बन बॉडी के चुनाव कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त ईवीएम है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त ईवीएम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है पंचायतों की। तो अगर हम ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने जाएंगे तो हमें बहुत लंबा समय लगेगा, करीब करीब 3 महीने का समय लगेगा। तो अगर हम मतपेटी से चुनाव कराते हैं तो हम 1 महीने के अंदर वो चुनाव करा सकेंगे। 3 महीने जाने में पूरा बरसात बीच में पड़ जाएगा, तो ज़िले में जिन लोगों को इलेक्शन कराने हैं उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। हाँ सर, हम समय सीमा तो आपसे नहीं पूछेंगे, फिर भी हम कह सकते हैं कि बहुत अब घंटे ही बचे हैं, कभी भी क्या ऐलान हो सकता है चुनाव का? ये हम इस बारे में कुछ आपको नहीं बता सकते, बट हम समय सीमा में करेंगे इतना बता सकते हैं। तो ये थे राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है लेकिन समय सीमा नहीं बताई जा सकती। लेकिन एक चीज़ उन्होंने स्पष्ट की है, मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय चुनाव हैं ईवीएम से होंगे, और हम पंचायत चुनाव की बात करें तो पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग बैलेट पेपर मोड में जा सकता है। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।